और एक भी सीट खाली नहीं है। भाई लोग ना मैं बहुत सारे पैसेंजर आए हैं। कोई आ रहा है क्या? ये तो सही है लेकिन भाई ये पानी अगर यूज कीजिएगा तो गिरेगा बाहर आप। जी क्या हाल चाल है आप सभी के? सो आज की जर्नी होने वाली है ट्रेन नंबर 12140 नागपुर CSMT सेवाग्राम एक्सप्रेस में, जो कि रोजाना नागपुर से CSMT के बीच में चलती है। अगर मैं ट्रेन की टाइमिंग की बात करूं तो ये जो ट्रेन है ना, रात 9:30 पे नागपुर रेलवे स्टेशन से निकलती है और आपको अगले दिन दोपहर 12 CSMT रेलवे स्टेशन पहुंचाती है। सो तो लगभग हम लोग इस ट्रेन से 833 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने वाले हैं 22 हॉल्ट के साथ लगभग 14:30। नागपुर रेलवे स्टेशन के बाहर में आपको दिख जाएगा हल्दीराम का रेल रेस्टोरेंट और ये हाल ही फिलहाल में इसे ओपन किया गया है। इंडिया का पहला हल्दीराम का रेल रेस्टोरेंट है, स्टेशन के जस्ट सामने आपको देखने को मिलेगा। और वो जो आप भीड़ देख रहे हैं ना, कुर्सी लगा के सभी लोग जो बैठे हुए हैं नंबर का वेट कर रहे हैं। ये 24 घंटा खुला रहता है ये रेस्टोरेंट और जगह ही नहीं मिलता है भाई, इतना क्राउड है। जब से खुला है ना, ये एक ऐसा रेल रेस्टोरेंट है जिसमें सबसे ज़्यादा क्राउड होता है, मेरे एक्सपीरियंस है। और हमने पूछा भी इनके मैनेजर से, मैनेजर अपने बिहार के ही थे तो उनसे बातचीत हुई थी, उन्होंने भी बताया भैया फुर्सत नहीं मिलता, रात 2-3 तक भी मतलब हमेशा 24/7 पैसेंजर का लाइन लगा रहता है, लोग देख वेट कर रहे हैं अपने नंबर का वहाँ चेयर लगा के। वैसे अगर आप यहाँ आते हैं तो यहाँ हल्दीराम का स्पेशल वेज थाली भी ट्राई कर सकते हैं, 279 का पड़ेगा, राज कचौरी 105 का पड़ेगा और साथ ही हैदराबादी वेज बिरयानी भी ट्राई कर सकते हैं। हम तीनों चीज़ ट्राई किए हैं लेकिन तीनों में सबसे बेस्ट हमको लगा हैदराबादी वेज बिरयानी। अगर आप यहाँ आते हैं तो वो चीज़ तो यहाँ जरूर ट्राई कीजिएगा। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आप देख सकते हैं IRCTC का फूड ट्रैक है, कमसम का भी है, लेकिन आज हम लोग ट्राई करने वाले हैं जन आहार में से वेज थाली, जन आहार वेज थाली 70 रुपीज ओनली। गर्म होगा बिल्कुल, गर्म बना के देंगे। दो थाली पैक कर दूं? पैक करना है, ले जाओ दो थाली। यही होगा ना थाली में? पहले खा के देखो बाद में पैसा दो। खाना नहीं है ना, ले जाना है। गर्म करवा रहा है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। ये जो है IRCTC का जन आहार है और यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी रीजनेबल प्राइस में आपको हर चीज़ मिल जाएगा। वेज थाली 70 का मिल रहा है, अंडा बिरयानी 80 का, चिकन बिरयानी 100 का, जनता खाना सिर्फ 15 का मिल रहा है, चाय 10 रुपया, कॉफ़ी 10 रुपया, रेल नीर 1 लीटर 15 रुपया। ठीक है, काफ़ी रीजनेबल प्राइस में आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो हम लोग अभी ले रहे हैं जन आहार वेज थाली 70 रुपया वाला और साथ ही जनता खाना भी हम लोग ट्राई करने वाले हैं 15 का जो है, क्या है इसमें देखते हैं। अंकल दो थाली और हो गया, दो जनता खाना भी दिखाइए, लोगों को दिखाना चाहते हैं कि उसमें क्या मिलता है। 15 का जो आता है जनता थाली, उसमें क्या मिलता है? दो जनता खाना भी बना, दो जनता खाना बना। सो गाइस, तो अब हम लोग आ चुके हैं प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे और अपनी ट्रेन जो है ना सेवाग्राम एक्सप्रेस लगी हुई है पीछे, और पीछे जो आप कोच देख रहे हैं ना S3, तो भाई आज हम लोग की जो है ना जर्नी होने वाली है स्लीपर क्लास में और सीट है 71 और RAC में हम लोग जर्नी करने वाले हैं। सीट शेयरिंग करके आज हम लोग की जर्नी होगी, लेकिन अच्छी बात ये है कि साथ में जो जर्नी के जो अपने पार्टनर होंगे वो है अपने भाई हर्षवर्धन स्पून्स ऑफ पटना। तो चलिए आपको चलते हैं अंदर, अपना दिखाते हैं, सीट दिखाते हैं। 71 तो आपको पता ही है गेट के साइड में रहता है, साइड लोअर तो भाई मेरा फेवरेट है। ये रही अपनी सीट 71 और नीचे हम लोगों ने लगेज रख दिया है और इसे लॉक कर देंगे फिर जब ट्रेन निकलेगी तो। और कोच की अगर मैं कंडीशन की बात करूँ ना भाई, तो कंडीशन सही है, साफ सफाई तो भाई बढ़िया है कोच का, चार्जिंग सॉकेट इधर दिया हुआ है, ऊपर भी चार्जिंग सॉकेट दिया हुआ है, सही है। ये कितने का भैया वैसे? 20 का दी, हो गया 40 और चार बोतल का हो गया 60, 100। ठीक, ओके। आज फर्स्ट टाइम जो है हम लोग पेपर बोट का ऑरेंज फ्लेवर ट्राई कर रहे हैं और ये भी काफ़ी सही है। गुआवा फ्लेवर में क्या होता है, हल्का सा तीखा तीखा लगता है, मसालेदार लगता है, लेकिन ये एकदम सही है, एकदम प्योर ऑरेंज का फ्लेवर आ रहा है। जिस तरह पल्पी ऑरेंज होता है ना, सेम वही चीज़ है, ऑरेंज का पल्प इसमें डाला गया है। हमारे इधर जितना अपना एक ग्रुप है, सभी लोग आपस में मतलब आपका वीडियो सब क्रेज रहता है, आपका हो गया, ऋषि भैया का हो गया, टेन लबल एच वाई का हो गया,
सब जानते हैं बहुत बहुत ज्यादा देखते हैं वीडियो सारी आपसे मिलते हैं सच में। अरे अब क्या करें, हो गया मुलाकात। हाँ ठीक है, नहीं नहीं आपकी जाते हैं होगा अभी आप कहाँ होते हैं? मुंबई सी एस के में। कौन सा बोगी? कोशिश करेंगे आने की, कल्याण कल्याण आपका 10 बजे से कल्याण होगा। एक्चुअली क्या है ना कि हम लोग का सीट जो है आर ए सी, अचानक से ट्रेन का प्लान बन गया, हम लोग दो लोग हैं तो आर ए सी हाफ ऑफ सीट है और रात भर जगह ही रहेगी कंटेंट बनाना है। चलिए ठीक है, जब मन होगा फ्री जरूर जरूर सकते बाय। तो अभी टाइम हो रहा है रात के 9:40, तो नागपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से हम लोगों ने खाना लिया। तो देखिए सबसे पहले ये जनता खाना, ठीक है, ये है सिर्फ 15 रुपया का। ये खाना उन लोगों के लिए है जो मतलब जनरल क्लास में जर्नी करते हैं, जो स्लीपर में जर्नी करते हैं, या जो मतलब अफोर्ड नहीं कर पाते हैं महंगा महंगा खाना खरीदना, तो उन लोगों के लिए है। इसमें देखिए 7 पूरी है और 150 ग्राम आलू की सब्जी और साथ ही 15 ग्राम अचार। तो इस तरह का जनता खाना लगभग सभी बड़े रेलवे स्टेशन पे मिल जाता है और हम पहली बार ट्राई कर रहे हैं जनता खाना। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ये मतलब जनता खाना का टेस्ट कैसा है। वैसे देखिए इसके अंदर आपको ये गर्मा गर्म 7 पूरी, पहले तो पूरी काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 पूरी है ये, और ये रहा 150 ग्राम आलू की सब्जी, सूखी सब्जी है और साथ ही अचार दिया गया। अब टेस्ट करते हैं, टेस्ट भी सही है, ऐसा नहीं है कि खराब है। 15 रुपये का खाना, 7 पूरी और ये सब्जी मिल रही है, अब क्या चाहिए। सही है भाई, सही है। ये 70 की थाली, ये रही 70 की थाली और इसमें आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इसमें ये देखिए बीन्स की सब्जी है, बीन्स की सब्जी हो गया, ये दाल हो गया और ये एक और सब्जी दिया गया है, बैंगन की सब्जी है और साथ ही ये बूंदी रायता, ठीक है, और दो दो पिकल दिया गया भाई इस थाली में सूची का, और साथ ही तीन चपाती वो भी गर्मा गर्म, और साथ ही ये राइस दिया गया है। तो चलिए ये 70 वाली थाली हम लोग ट्राई करते हैं और आपको बताते हैं ये थाली एक्चुअली में है कैसा। वैसे प्राइस आपको पता चल ही गया ना कितना मतलब रिजनेबल प्राइस है, 70 रुपये की थाली मिल रही है। ट्रेन में क्या होता है भाई, 120 की थाली, किसी किसी ट्रेन में तो 100 की मिल जाती है, किसी किसी में 120 की मिलती है। सबसे पहले हम लोग ट्राई करने वाले हैं आलू बीन्स की सब्जी। बैगन की सब्जी ट्रेन में तो कभी खाने का मौका नहीं मिलता, लेकिन पहली बार आज खाने का मौका मिला है। घर में तो बहुत खाते हैं, स्टेशन का बैगन की सब्जी खाते हैं। तो बूंदी रायता मुझे पसंद नहीं आया, लेकिन सब्जी दोनों बहुत बढ़िया है। और दाल ट्राई करते हैं, दाल भी सही। तो ओवरऑल जो ये थाली है ना 70 की है,
मेरे हिसाब से ये थाली आप ट्राई कर सकते हैं ट्रेन जर्नी में, अगर आप इधर से गुजरते हैं किसी भी ट्रेन में तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे नागपुर रेलवे स्टेशन पे जन आहार आउटलेट मिलेगा, वहाँ पे आप सत्तर वाली थाली ट्राई कर सकते हैं। चलिए फटाफट खाते हैं, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। तो लगभग 80 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का दूसरा हॉल्ट वर्धा जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है WR, और यहां पर इस ट्रेन का 3 मिनट का हॉल्ट है और हम लोग की ट्रेन यहां पहुंची है लगभग 15 मिनट डिले। वर्धा जो है ये आता है महाराष्ट्र के नागपुर रेलवे डिवीज़न में। वैसे यहाँ 4 प्लेटफॉर्म है और इस स्टेशन को ओपन किया गया था इन द ईयर 1867 और इलेक्ट्रीफाइड किया गया था 1991 में, और अभी फ़िलहाल यहाँ रोज़ाना 68 ट्रेन आकर रुकती है। तो नागपुर रेलवे स्टेशन पे हमने जो जन आहार थाली जो ऑर्डर किया था, मतलब जन आहार थाली जो हमने लिया था 70 वाली, उसके बारे में आप सभी को बता दूं, राइस तो हमने ट्राई करके आपको नहीं दिखाया, लेकिन चावल ना भाई कच्चा था, अच्छी तरीके से पका हुआ नहीं था। चावल और रायता ये दोनों सही नहीं था, अदरवाइज दोनों जो सब्जी था, दाल था और रोटी, वो गर्मा गर्म मुझे दिया गया था। और भाई रही बात जनता खाने की जो 15 वाली थी भाई, वो तो भाई उसका बात ही अलग है, बहुत बढ़िया था, 15 के हिसाब से काफ़ी बढ़िया था वो। वर्धा जंक्शन के बाद आप देख सकते हैं अपनी कोच का हाल, बहुत सारे पैसेंजर आए हैं बोर्ड किए हैं अभी वर्धा से। तो भाई देखिए आरएसी सीट में इसी तरह से कंप्रोमाइज करके चलना पड़ता है, इधर हम लेटे हैं, इधर हर्ष लेटा है, और यहाँ हमने मास्क को इसमें होल्डर दिया गया था, यहाँ हमने मास्क को लटका दिया है और साइड से नज़ारा लेते हुए जा रहे हैं। रात में तो नींद नहीं आएगा, फिर भी कोशिश करते हैं सोने का, ये तो बेचारा सो रहा है उसी तरह। अभी टाइम हो रहा है रात के 1:10, कुछ देर में हम लोग पहुंचने वाले हैं अकोला जंक्शन, और अभी मैं अपने कोच का हाल दिखाता हूं। देखिए कुछ पैसेंजर अभी कुछ देर पहले बोर्ड किए हैं और एक भी सीट खाली नहीं है, ये लोग अपना बैठे हुए हैं गेट पे। ये देखिए यहाँ पे रात के 1:15 ये लोग खाना खा रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे पैसेंजर हैं जो इधर उधर भटक रहे हैं, और हर्ष यहाँ पे सो रहा है। वैसे भाई ये ट्रेन का नसक बता रहे हैं, एक भी सीट खाली नहीं है, बहुत सारे ऐसे पैसेंजर हैं जिसका टिकट नहीं है, वो टिकट साहब को बोल रहे हैं टिकट बना देंगे, फिर भी नहीं हो रहा है, सीट भी नहीं मिला, पूरा पैक चल रही है ये गाड़ी, जबकि ये डेली चलती है। दूसरे गेट का हम आपको हाल दिखाते हैं, हाँ जी। तो लगभग 252 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं अकोला जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है AK, और यहां पर इस ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है, लेकिन हम लोग की ट्रेन यहां पहुंचाई है हम लोग को 20 मिनट डिले। वैसे यहां टाइम था सुबह के 1:10 का, लेकिन हम लोग यहां पहुंचे हैं 1:30 पे। वैसे अकोला जो है ये आता है महाराष्ट्र में, नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म 6, और अभी फिलहाल यहां रोजाना 115 ट्रेन आकर रुकती है, मतलब 115 ट्रेन आकर रुकती है। और अकोला जंक्शन जो है ये आता है भुसावल डिवीज़न में। वैसे अकोला जो है ये फेमस है कॉटन सिटी के लिए, मतलब कॉटन सिटी कहते हैं अकोला को, क्योंकि यहाँ पर कॉटन का प्रोडक्शन काफ़ी लार्ज स्केल पे होता है। वैसे जब हम लोगों ने इस ट्रेन का टिकट बुक किया था तो उस वक्त था RAC 114 था,
और भाई आरईसी में ही रह गया हम लोग का सीट। और अब ये हाल है ना भाई इस ट्रेन का कि पूछो मतलब हर कोच में 10-15 ऐसे पैसेंजर हैं जिनके पास टिकट नहीं है, अब क्या करेंगे। ये लोग टाइम पास कर रहे हैं अपना ताश खेलकर। अब 450 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का 19वां हॉल्ट नासिक रोड रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है NK। और यहां पर इस ट्रेन का 3 मिनट का हॉल्ट है और हम लोग की ट्रेन यहां पहुंची है लगभग 1 घंटा डिले। नासिक रोड रेलवे स्टेशन आता है महाराष्ट्र में। वैसे ये जो रेलवे स्टेशन है ना, वन ऑफ द बिजिएस्ट, क्लीनेस्ट और A1 कैटेगरी का रेलवे स्टेशन है। और नासिक को हम लोग वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। और यहाँ पर ना अंगूर का प्रोडक्शन काफ़ी बड़े पैमाने पे होता है। और नासिक ना महाराष्ट्र का 4th लार्जेस्ट सिटी है आफ्टर मुंबई, पुणे, नागपुर। और नासिक रोड रेलवे स्टेशन पे अपने ट्रेन से लगभग 30% पैसेंजर यहाँ डिवोट हुए हैं। बारह का एक दो दे दो। ऑनियन समोसा है क्या? बारह का वो हो गया, अब वड़ा पाव दे दो ना आप। समोसा जो है ना सही है, क्रिस्पी है और बिल्कुल ताजा लग रहा है। बढ़िया है समोसा। चाय पीते हैं चाय भी बहुत बढ़िया। जब चाय ले रहे थे तो भैया से पूछे कि भैया चाय सही है ना, तो बोले हाँ भैया आप पी के तो देखिए मजा आ जाए। मास्क
लगभग 780 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का 21वां हॉल्ट कल्याण जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है KYN। और यहां पर इस ट्रेन का 3 मिनट का हॉल्ट है, लेकिन हम लोग यहां पहुंचे हैं 30 मिनट डिले। कल्याण जो है ये आता है महाराष्ट्र में, नंबर प्लेटफॉर्म 8, और अभी फिलहाल यहाँ रोजाना 322 मतलब 322 ट्रेन आकर रुकती है। तो चलिए मैं आपको इस ट्रेन के कोच कंपोजिशन और फेयर के बारे में बता दूँ। तो ये जो ट्रेन है ना, 4 जनरल क्लास, 12 स्लीपर क्लास और 5 थर्ड एसी कोच के साथ चलती है, साथ ही 1 सेकेंड एसी के कोच के साथ भी ये ट्रेन चलती है। अगर मैं फेयर की बात करूँ स्लीपर क्लास का, जिसमें मैं जर्नी कर रहा हूँ नागपुर से मुंबई का, वो आपको पड़ेगा लगभग 460 रुपये। अगर आप थर्ड एसी में जर्नी कीजिएगा नागपुर से मुंबई, तो वो आपको पड़ेगा लगभग 1200 रुपये। और हाँ, इसमें पेंट्री कोच नहीं है, तो खाने पीने की व्यवस्था आपको अंदर नहीं मिलेगी, आप घर से लेके आइए, नहीं तो आप स्टेशन पर खरीदिए। एक चीज है, देखिए बाथरूम में टाइल्स लगा हुआ है, आप देख रहे हैं। आ चुके हैं इंडियन स्टाइल बाथरूम में, और देखिए बाथरूम में आइएगा तो सामने आपको दिखेगा मिरर, और ये रहा वाटर डिस्पेंसर, पानी अभी भी आ रहा है। ये रहा बेसिन, और बेसिन देखिए झुका हुआ है नीचे की तरफ, ये देखिए, ये देख रहे हैं। और पानी जो गिर रहा है ये इसमें नहीं जाकर बाहर गिर रहा है, और इस टाइल्स से होते हुए बाहर आ रहा है, ठीक है। और ये रहा डस्टबिन, और वॉशरूम में टाइल्स लगा हुआ है। ये क्यों लगा हुआ है, इसके पीछे रीजन ये है कि जब नीचे का सरफेस खराब हो जाता है ना, तो टाइल्स लगा दिया जाता है ताकि पानी
जमे नहीं नीचे। मैं अधिकतर ट्रेनों में मैं देख रहा हूँ जो भी पुरानी हो जाती है, ये 16 साल पुरानी ट्रेन है, तो जब नीचे का सरफेस खराब हो जाता है वाशरूम का तो टाइल्स लगा दिया जाता है और इसे ऊंचा कर दिया जाता है ताकि पानी यहाँ रुके ना। तो ये तो सही है, लेकिन भाई ये पानी अगर यूज कीजिएगा तो गिरेगा बाहर, आपके पैर पे गिरेगा। तो अभी जो है ना अपनी ट्रेन थाने रेलवे स्टेशन पे रुकी है, तो कोच के जस्ट सामने फ्रूट स्टॉल दिखा, तो थाना रेलवे स्टेशन से ये ले रहे हैं, हर्ष को भेजे हैं, अभी वो ले रहा है। दो दो ये आ गया, कितने का भाई? 20 रुपए का एक प्लेट, 40 रुपए का दो प्लेट। 20 का एक है ना, तरबूज है सिर्फ? मिक्स फ्रूट था लेकिन हमें खाना था तरबूज। अच्छा चलो चलो ठीक है, नमक उसमें डलवा लिया? यस। चलो आ जाओ। आ गया, चलो ट्राई करो भाई कैसा है देखो। तो भाई खाया कैसा लग रहा, फ्रेश है? बिल्कुल फ्रेश है और मीठा है। मीठा भी है? बिल्कुल। चलो ठीक है। वैसे तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं सीएसएमटी रेलवे स्टेशन और ट्रेन जो है हम लोग को पहुंचाई है 10 मिनट डिले। इससे आपको इस ट्रेन की पंक्चुअलिटी के बारे में पता चल ही गया होगा। अगर मैं इस ट्रेन की साफ़ सफाई की बात करूं, कोच का, वाशरूम का, तो कोच का साफ़ सफाई तो सही था। वाशरूम में क्या था ना, किसी किसी वाशरूम में बेसिन लीक कर रहा था, पानी नीचे आ रहा था फिर नीचे से बाहर आ जा रहा था, कोचों में पानी फैल रहा था, बहुत सारे कोच में हमने ऐसा देखा। और अभी जो है ना मुंबई पहुँचते किसी किसी वाशरूम में पानी भी नहीं था भाई। वैसे ओवरऑल जर्नी एक्सपीरियंस सही रहा। इस ट्रेन का बहुत हॉल्ट है, मतलब 22 हॉल्ट है, नागपुर से मुंबई के बीच में इस ट्रेन का टोटल 22 हॉल्ट है और इसमें पेंट्री कोच नहीं है। तो खाना आप घर से लाइएगा, नहीं तो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर लीजिएगा, नहीं तो आप नागपुर रेलवे स्टेशन से ले सकते हैं, जन आहार केंद्र से जहाँ हमने लिया। बस वही प्रॉब्लम है कि उनका रायता सही नहीं था और क्या कहते हैं चावल वो अच्छी तरह से पका हुआ नहीं था। हाँ लेकिन जनता खाना जो था 15 वाला वो बहुत बढ़िया मुझे। तो चलिए आज की जर्नी को यहीं लास्ट करते हैं, मिलते हैं अगले जर्नी में। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, हंसते रहे मुस्कुराते रहे और लगातार इसी तरह अपने भाई के साथ जर्नी करते रहे। सी यू सून, टिल देन पीस बाय। और हाँ प्यार करते हैं आप।